अब हमारा जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना है, इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जुडिशरी। और इधर तो अभी हम पढ़ेंगे कि जुडिशरी जो है उधर आजाद है, लेकिन जुडिशरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जुडिशरी जो है उधर डेट रिपोर्ट्स टू एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस को वो रिपोर्ट करने की बाउंड है। तो जब वो आजाद किस कैसे हुई, जब वो जुडिशरी जो है वो एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस को रिपोर्ट करती है, और नेशनल पीपल कांग्रेस जो है उसको इन्फ्लुएंस करती है जुडिशरी को। तो इसलिए मैंने आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था और आपको बताया था कि हम मैं इसको एग्जेक्टिव जुडिशरी और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हम इसके डिस्कस करेंगे, तो उसमें जुडिशरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी उधर इतनी आज़ाद नहीं है। तो अब आप इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। आप पाकिस्तान में देखेंगे जुडिशरी कितनी आज़ाद है कि वज़ीर आज़म को जो है हुकूमतें भी जुडिशरी ने ख़त्म की हैं, पूरी पूरी हुकूमत ख़त्म की है, और समटाइम्स जो वज़ीर आज़म है उनको फारिग किया है, और हुकूमतें चलती रही हैं उन पार्टीज की। तो बहरहाल अब जुडिशियल ब्रांच जो है वहां से स्टार्ट करें, आर्टिकल 123। जी बेटा स्टार्ट करें। जी यार आर्टिकल 123 जुडिशियल ब्रांच द पीपल्स कोर्ट इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आर द जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। पीपल्स कोर्ट जो है डेट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। जी कंपोजिशन क्या होगी इसकी? द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिशेज द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एंड द पीपल्स कोर्ट्स एट वेरियस लोकल लेवल्स, मिलिट्री कोर्ट्स एंड अदर स्पेशल पीपल्स कोर्ट्स। The term of office of the President of the Supreme People's Court is the same as that of National People's Congress. The President shall serve no more than two consecutive terms. The organization of the People's Court is prescribed by law. ठीक हो गया बेटा। उधर कितनी किस्म की कोर्ट्स हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है जो उनकी अपेक्स कोर्ट है, इसके अलावा पीपल्स कोर्ट हैं एट वेरियस लेवल्स, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, और उधर स्पेशल कोर्ट्स हैं। वेरियस लेवल्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनके वेरियस लेवल्स, काउंटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, स्टेट लेवल्स। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, और हर लेवल पर इनकी पीपल्स कोर्ट भी है और पीपल्स कांग्रेस भी है और स्टैंडिंग कमेटी भी है। जो सारी की सारी जो पीपल्स कोर्ट है वो मर्ज हो जाती है, लिंक हो जाती है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के साथ, और जो जो लोकल कांग्रेसेस हैं, लोकल पीपल्स कांग्रेसेस जो हैं वो मर्ज हो जाती है नेशनल पीपल कांग्रेस के साथ। तो इसकी जो टर्म है वही जो एनपीसी की है वो कितनी है? 5 ईयर्स, और 2 टर्म से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट जो है, हम तो चीफ जस्टिस बोलते हैं ना बेटा, तो वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट बोलते हैं। और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, जो रेलिवेंट लॉ इसको देख रहा है। जी आर्टिकल 125। Trial to be public right to defence, except in special circumstances as specified by law. All cases in the People's Court are heard in public. The accused has the right to defence. जी पब्लिक होगा इनका राइट्स। जी राइट, ट्रायल टू बी पब्लिक, राइट टू डिफेंस। पब्लिक का मतलब यही है कि इनकी जितनी भी हियरिंग होगी पब्लिकली होंगी, और राइट टू डिफेंस जो है वो बिल्कुल होगा, क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं होता विदाउट राइट टू डिफेंस के। तो अब हमने राइट टू डिफेंस है, ये भी आप सब्सटेंटिव लॉ बेटा पढ़ रहे हैं, और जो आपको मैंने कहा है प्रेजेंटेशन आपने तैयार करनी है वहां पर आप राइट ऑफ फेयर ट्रायल की एप्लीकेशन ऑफ लॉ देखेंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था, आपने देखा था, उसने राइट ऑफ फेयर ट्रायल को अपना जो है वो राइट जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगा था ऑन ग्राउंड के, उसको राइट ऑफ काउंसिल की जो है वो एक्सेस नहीं दी जा रही। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वाजिया किया था कि राइट ऑफ काउंसिल जो है वो नहीं दिया जाएगा इन प्रोसीडिंग्स डेट आर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोसीडिंग्स में नहीं दिया जाएगा। तो ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल देखें उसके साथ जो है वो लिंक कर गया है, जो हमने सीएमआर जो मैंने आपको पढ़ाई है और जिसकी मैंने आपसे कहा था प्रेजेंटेशन तैयार करें। तो इसी तरीके से बेटा लीगल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है, क्योंकि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो आप पढ़ रहे हैं, हम आगे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, जो कानून की तशरी है, वो तो जुडिशरी ने करनी है ना।
जब आप इनकी इंटरप्रिटेशंस भी पढ़ लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट करती है, तो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ जो है वो बेहतर हो जाएगी, वो बहुत जी। आर्टिकल 126 जुडिशियल इंडिपेंडेंस, द पीपल्स कोर्ट्स एक्सरसाइज जुडिशियल पावर इंडिपेंडेंटली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ठीक हो गया। कहते तो यही है, देखें अब आपके सामने आ जाती है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जो है इसके अंदर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इससे ये 127 हम पढ़ते हैं, 128 पढ़ लें जरा। 128 क्या कहता है? द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी। लोकल पीपल्स कोर्ट्स एट वेरियस लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट पावर विच क्रिएटेड देम। द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स टू कांग्रेस। आर्टिकल 126 क्या कहता है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि वहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस है कि कोई स्टेट ऑर्गन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 128 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स टू कांग्रेस। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी के और इसकी स्टैंडिंग कमेटी के, और लोकल पीपल्स कोर्ट जो जो उनकी लोकल पीपल्स कोर्ट्स हैं एट वेरियस लेवल्स, जैसे जो मैं प्रोविंशियल, काउंटी, और वो भी आजाद नहीं है, वो भी जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट पावर हैं उसके ऊपर उसको रिपोर्ट करने की पाबंद है। तो फिर जुडिशरी आजाद तो ना हुई, जैसे हमारा अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हुकूमतें गई हैं, जुडिशरी ने हुकूमतों तक को करप्शन की बुनियाद के ऊपर फारिग किया है, वज़ीर आज़म को फारिग किया, नवाज शरीफ को किया, यूसुफ रजा गिलानी को किया, और भी हैं मिसालें जी। आर्टिकल 127 The Supreme People's Court is the highest judicial organ. The Supreme People's Court supervises the administration of justice by the People's Courts at various local levels and by the Special People's Courts. People's Courts at higher levels supervise the administration of justice by those at lower levels. ठीक हो गया। सुपर पीपल, इसकी जो सुप्रीम इदारा है, डेट इज सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, और वो पीपल्स कोर्ट को देखती है एट वेरियस लेवल। स्पेशल पीपल्स कोर्ट जो है वो लोअर लेवल पर स्पेशल पीपल्स कोर्ट हैं जो देखती हैं। जो सुप्रीम इनका है वो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है जी। 129 आइए आगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क में जो दारा है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का काम होता है किसी भी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड केस की इन्वेस्टिगेशन करना, और फिर उसका चलान सबमिट कराना, और फिर अदालत में उसको वो प्रोसीड करते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं उसकी। तो उधर जो इदारा है जो क्रिमिनल केसेस को देखता है उसको प्रोक्यूरेटोरेट्स बोलते हैं जी। जो लीगल सुपरविजन जो है वो उधर करता है जी। आर्टिकल 129 प्रोक्यूरेटोरेट्स डिफाइन द पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आर स्टेट ऑर्गन्स फॉर लीगल सुपरविजन। ठीक है, द पीपल प्रोक्यूरेटोरेट्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द स्टेट ऑर्गन फॉर लीगल सुपरविजन। तो वो स्टेट ऑर्गन है, रियासती अदारा है, और जिसका काम है कानूनी सुपरविजन देखना। अब कानूनी सुपरविजन का क्या मतलब है? देखिएगा मुल्क में हर चीज जो है वो कानून के मुताबिक हो रही है कि नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, और एवरीथिंग शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक हर चीज हो। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि प्रिस्क्राइब बाय लॉ, जुडिशरी की जो ड्यूटीज हैं वो उन्होंने बताई हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिस्क्राइब बाय लॉ है, तो वो हर चीज को देखेंगे कि एवरीथिंग शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ जी। आर्टिकल एस्टेब्लिशमेंट वन डिवीजन ऑफ 30 सर पढ़ू। जी बेटा पढ़ो। आर्टिकल 130 डिवीजन ऑफ प्रोक्यूरेटोरेट्स। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिशेस द सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट एंड द पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट्स एट वेरियस लेवल्स, मिलिट्री प्रोक्यूरेटोरेट्स एंड अदर स्पेशल पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट्स।
The term of office of the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate is the same as that of the National People's Congress. The Procurator General shall serve no more than two consecutive terms. The organization of the People's Procuratorates is prescribed by law. ठीक हो गया बेटा कि ये इसका भी टाइम पीरियड उतना ही है जितना एनपीसी का है, और एनपीसी का कितना है 5 साल, और इसका भी जो प्रोक्यूरेटर जनरल है, प्रोक्यूरेटर जनरल जो है वो भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज्यादा जो है वो सर्व नहीं कर सकता। बाकी एक जो सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेट है जो नेशनल लेवल पर है, बाकी वेरियस लेवल्स जो नीचे वाले लेवल्स हैं उस पर भी ये काम करती है। बाकी मिलिट्री प्रोक्यूरेट्स भी हैं, स्पेशल पीपल्स प्रोक्यूरेट्स भी हैं। जी आर्टिकल 131 प्रोक्यूरेटोरियल इंडिपेंडेंस द पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट्स एक्सरसाइज प्रोक्यूरेटोरियल पावर इंडिपेंडेंटली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल. ठीक हो गया। प्रोक्यूरेटोरियल को है को जो है प्रोक्यूरेटोरियट्स को अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल है, और ये कोई भी स्टेट का इदारा जो है इनकी डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जी आर्टिकल 133 सुप्रीम प्रोक्यूरेटरेट ये वन थर्टी रिपोर्ट्स टू टू वन थर्टी टू आर्टिकल पढ़ लिया 132 जी, पढ़े 132। सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट द सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट इज द हाईएस्ट प्रोक्यूरेटोरियल ऑर्गन. द सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट डायरेक्ट्स द वर्क ऑफ द पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स एट वेरियस लोकल लेवल्स एंड ऑफ द स्पेशल पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स एट वेरियस लोकल लेवल्स. पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स एट हायर लेवल्स डायरेक्ट द वर्क ऑफ दोज एट लोअर लेवल्स. ठीक हो गया बेटा। डिफरेंट लेवल्स पर इसकी भी वर्किंग है, जैसे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की है, ये जुडिशियल जुडिशियल डिपार्टमेंट की है। जी नेक्स्ट 133। और सुप्रीम ये भी ये प्रोक्यूरेटर सुप्रीम प्रोक्यूरेटोरेट जो है इट आल्सो रिपोर्ट्स टू द कांग्रेस। तो इससे यही पता लगता है कि उधर की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, या इन अदर वर्ड स्टैंडिंग कमेटीज और स्टेट काउंसिल, ये सबसे पावरफुल इदारा है। स्टेट काउंसिल जो है उधर हमने पढ़ा था वो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है उधर, क्योंकि हर चीज जुडिशरी ने भी इसी को कांग्रेस को रिपोर्ट करनी है, और ये सुप्रीम प्रोक्यूरेटोरिएट जो है उसने भी कांग्रेस को ही रिपोर्ट करनी है। जी बेटा The Supreme People's Procuratorate is responsible to the National People's Congress and its Standing Committee. People's Procuratorates at various levels are responsible to the organs of state power which created them and to the People's Procuratorates at higher levels. जी बेटा नेक्स्ट। Article 134 Right to use national language. Citizens of all nationalities have the right to use the spoken and written languages of their own nationalities in court proceedings. The people's courts and people's procuratorates should provide translation for any party to the court proceedings who is not familiar with the spoken or written languages commonly used in the locality. In an area where people of a minority nationality live in a concentrated community or where a number of nationalities live together, court hearings should be conducted in the language or languages commonly used in the locality. Indictments, judgments, notices, and other documents should be written according to actual needs in the language or languages commonly used in the locality. ठीक हो गया बेटा। बेसिकली इसमें क्या बात कर रहा है, राइट टू यूज नेशनल लैंग्वेज, कि वहां पर जितनी भी नेशनैलिटीज हैं, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, अमेरिकन है, अगर वो सारी उधर रह रही हैं, तो जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि जिसके खिलाफ वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको उस कोर्ट प्रोसीडिंग्स की समझ आनी चाहिए, और उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को उसकी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें उसकी ट्रांसलेशन कर कर उसको समझाया जाए। और कुछ इलाके जहाँ पर माइनॉरिटी नेशनैलिटी है, कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं माइनॉरिटी नेशनैलिटीज के, तो वहाँ पर भी कोर्ट देखेगी कि कौन सी जबान जो है उस लोकेलिटी के अंदर जो है वो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उस जबान के में ही वो इंडिक्टमेंट्स मतलब फर्द जुर्म लगाएंगे, जजमेंट्स लिखेंगे, नोटिस भेजेंगे, ताकि लोगों को
जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो समझ आ सके, क्योंकि डिफरेंट नेशनैलिटीज बेटा उधर रहती हैं। जी, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। The people's courts, the people's procuratorates, and the public security organs shall, in handling criminal cases, divide their functions, each taking responsibility for its own work, and they shall coordinate their efforts and check each other to ensure the correct and effective enforcement of the law. ठीक हो गया बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट। Article 136 flag, the national flag of the People's Republic of China, is a red flag with five फाइव stars. स्टार। The national anthem of the People's Republic of China is the March of the Volunteers. जी बेटा, नेक्स्ट। एम्बलम। The national emblem of the People's Republic of China consists of an image of Tiananmen in its center, illuminated by five stars and encircled by ears of grain and a cogwheel. मीन उनका एक दरवाजा है, जिस तरह हमारा उनके एक मॉन्यूमेंट है, जिस तरह हमारा या मीनारे पाकिस्तान है, उसी तरीके से उनकी एक यादगार है, उसके टेना मेन जो है वो कहते हैं। और उसके 5 तारे हैं और उसके अंदर ग्रेन है, अनाज, कोगविल ये है। ये आपने मतलब बेसिकली इंडस्ट्री को शो किया गया है, लेबर तबके को शो किया गया है कि उधर जो है वो आम आवाम की जो है, किसान जो है, या इंडस्ट्री से जो रिलेटेड लेबर तबका है, उसकी हुकूमत है। तो कोगवेल बोलते हैं वो। आपने किसी खरादिये के पास या कोई व्हील देखा है जिसके दंदे निकले होते हैं, जिसके टीथ्स होते हैं, जिसको दंदों वाला व्हील कहते हैं, दंदों वाला चक्कर जो है, तो वो बेसिकली ये एक सिंबल है इंडस्ट्री का, कि हमारा जो कंट्री है इसके अंदर इंडस्ट्री भी है, और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं हम उनको पूरी इज्जत देंगे, लेबर तबके से जो बिलोंग करते हैं। जी बेटा, Article 138, the capital of the People's Republic of China is Beijing. उसका भेजें। जी बेटा, कंप्लीट हो गया। कोई है आज का जो लेक्चर पढ़ा? अब चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल हो गया, इसके बाद अब हम मलेशियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे।